आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी के कहने पर आपने अपनी कमाई धन दौलत लगा दी हो, इन्वेस्ट मार दियो कहीं पे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो? गया सब खा गया, कुछ नहीं बचा। तो आज हम आपको ऐसी 10 एसेट बताएंगे जो आपको रिच बना सकते हैं, अमीर बना सकते हैं, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि आप अमीर बन जाओ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एसेट है रियल एस्टेट। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि यहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ इन्वेस्ट कर दो, वहाँ की प्रॉपर्टी खरीद लो, यहाँ की प्रॉपर्टी खरीद लो, यहाँ ज्यादा मुनाफा होगा, वहाँ ज्यादा मुनाफा होगा। और एक सॉलिड तरीका है अमीर बनने का रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो। लेकिन उससे पहले आपको बिल्डर के बारे में, वो किस लोकेशन में प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आपको अच्छे से जांच पड़ताल करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपका भी भारी भरकम नुकसान हो सकता है। अरे भाई, भारी समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। दूसरा है सट्टा बाजार यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट है। इसमें आप सही स्टॉक को चूज करके अपना पैसा ग्रो कर सकते हो, लेकिन बहुत रिस्की है भाई। स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ के पैसा लगाना होता है। इसमें ऐसा हो सकता है आपके साथ कि अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी। तीसरा एसेट है एजुकेशन यानी शिक्षा। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट एसेट है जिससे आप दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध जीत सकते हो। और आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, आपको नॉलेज गेन करनी नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी। आपको कुछ कुछ हमेशा नया कुछ सीखते रहना चाहिए, कुछ एक्सप्लोर करते रहना चाहिए जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। चौथा एसेट है बिजनेस यानी आपका व्यापार। अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आपके लिए एसेट बन सकता है। अपने आइडियाज को आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि इस एसेट को बनाने में सालों साल लग जाते हैं, दिन रात की मेहनत होती है, घर परिवार सब छोड़ना पड़ता है इस एसेट को बनाने के लिए, पागलों की तरह काम करना पड़ता है आपको। लेकिन एक बार ये एसेट बन जाए तो आपको फल भी बहुत अच्छे देती है। पांचवा एसेट है सोना यानी कि गोल्ड। गोल्ड एक ट्रेडिशनल एसेट है कि पहले के जमाने में भी लोग गोल्ड खरीद लेते थे, लोग पहले भी सोने में इन्वेस्ट करते थे, सोने को खरीद के रख लेते थे। और अगर आप आज भी इन्वेस्ट करते हो गोल्ड में तो 2-3 साल बाद आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा, मुनाफा ही करवाएगा आपका, क्योंकि ये एक ऐसा एसेट है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। छठा एसेट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। डाइवर्स पोर्टफोलियो से आपका रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न भी बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको इसके लिए इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, डिटेल नॉलेज लेनी पड़ेगी। सातवां एसेट है क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, एक नया एसेट का क्लास है। ये थोड़ा रिस्की है लेकिन अगर आप समझ के इन्वेस्ट करोगे, जांच पड़ताल करके इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट दे सकता है। आठवां एसेट है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य। बहुत जरूरी है भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी रुक जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे भाई, घर बैठे रहोगे, बिस्तर पे लेटे रहोगे बस, और कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप इस एसेट का ध्यान नहीं रखोगे ना तो सारे एसेट आपके लिए बर्बाद है, बेकार है, किसी काम के नहीं है। अगर आपका ये एसेट सही नहीं है, अगर आपका हेल्थ सही नहीं है, इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखो, थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो, खाना पीना अच्छा खाओ, घर का खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, बैलेंस डाइट खाओ। नवा एसेट है सोशल कैपिटल यानी कि आपके कनेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट एसेट है। आप नेटवर्किंग से अपॉर्चुनिटीज अलग अलग क्रिएट कर सकते हो जो आपको अमीर बना सकते हैं, अलग अलग फील्ड में आपकी मदद कर सकते हैं। मान लो आप कोई बिजनेस कर रहे हो और जिस फील्ड में बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको कोई जानता नहीं है, आपका नेटवर्क ही नहीं है, तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि आप मार्केट में हो? इसलिए नेटवर्किंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए लोगों से। दसवां एसेट ऐसा है कि अगर आपके पास ये ना रहे ना तो आप कुछ भी एसेट क्रिएट ही नहीं कर सकते। दसवां एसेट है समय यानी टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, हमें बहुत अच्छे से इसका यूज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, हमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। एक बहुत अच्छी शायरी कही है किसी ने वक्त के ऊपर कि वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो यार वक्त की कदर करो, समय का सही इस्तेमाल करो और जीवन में आगे बढ़ो। अब से फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।